स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी। टुडे वी विल डिस्कस अगेन एक्सरसाइज 13.1 क्लास 9th NCERT। स्टूडेंट्स, कल 13.1 जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपके इस चैप्टर से भेजी थी, उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. Student, यहाँ पर एक room है जिसकी length, breadth, height हमें यहाँ पर दी हुई है, इसके 4 walls और ceiling पर whitewashing की हमें cost find करनी है। तो देखिए student, जब यहाँ पर हमें 4 वॉल्स का एरिया फाइंड करना होता है, तो या तो हम टोटल सरफेस एरिया जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था 2LBBH+HL, उसमें से एक सरफेस को माइनस कर दें, ठीक है, दोनों सरफेस हम माइनस कर दें, ऊपर और नीचे का, टॉप और बेस को, तो हमारे पास 4 वॉल्स का एरिया आ जाएगा। या हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करें और उसमें सीलिंग को प्लस कर दें। तो देखिए, लेंथ ऑफ रूम L इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 4 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 3 मीटर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द रूम इक्वल टू, स्टूडेंट, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2L+B इंटू H प्लस LB। LB मीन्स हमने जो सीलिंग है, ऊपर का जो टॉप है रूम का, उसका भी एरिया इसमें प्लस कर दिया। तो देखिए, 2 लेंथ 5+4 इंटू 3 प्लस 5×4, 2 मल्टीप्लाई 5+4 9 इंटू 3 प्लस 20, 2 9 जा 18 एंड 18 3 जा 54 प्लस 20 इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इस रूम की 4 वॉल्स का एरिया और जो सीलिंग है, हमारी छत है, उसका एरिया भी यहाँ पर प्लस करके हमने डायरेक्ट कितना सरफेस एरिया है वो हमने फाइंड कर लिया। अब इस पर हमें वाइट वॉशिंग करनी है और उसकी हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो देखिए, कॉस्ट का जो रेट है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीज 7.50। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 7.74 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 74 मल्टीप्लाई 7.50। स्टूडेंट, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए, हाँ स्टूडेंट, जरा ये कैलकुलेशन हम चेक करते हैं। देखिए, 5×4 = 20, 7×5 = 35। स्टूडेंट, 35 और 2 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, तो कैलकुलेशन दोबारा हमें करनी होगी। स्टूडेंट देखिए, 5×4 = 20, 7×5 = 35, 37, 7×4 = 28, 7×7 = 49, 51, 0, 15 का 5, 5, 5। यहाँ पर देखिए, हमने डेसिमल यूज़ किया, तो 555। क्लियर स्टूडेंट? तो हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग
555 रुपीज़ कॉस्ट आएगी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने फोर वाल्स का एरिया के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, 2L प्लस बी इंटू एच, और सीलिंग के लिए L प्लस बी। लेकिन आप इसकी जगह पर दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया देखिए, 2LB प्लस BH प्लस LB, इसमें 6 सरफेस का एरिया है। अगर आप इसमें से LB को माइनस करते हैं तो 5 सरफेस हो जाएंगे, मतलब 4 वॉल्स का एरिया प्लस सीलिंग का एरिया इसमें आ जाएगा अगर हम 1 माइनस कर दें। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और NCERT क्लास 9th का है ये। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर। पेरीमीटर है 250 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। थर्ड, हाँ स्टूडेंट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान दें, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। हमें हॉल की हाइट फाइंड करनी है। उससे पहले स्टूडेंट हमें इसका एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स मीन्स लेटरल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। और ये लेटरल सरफेस एरिया हमें किससे मिलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर रेट दिया हुआ है ₹10 पर मीटर के अकॉर्डिंग, जो कॉस्ट है वो 15,000 की कॉस्ट है, इसी से हमें मिलेगा, इसी से फाइंड करें। तो देखिए, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, इसी को हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और ये होगा स्टूडेंट देखिए, टोटल कॉस्ट है 15,000 और रेट है ₹10 पर मीटर स्क्वायर, तो रेट से हमने डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 1500 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर हॉल का, पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ हॉल इक्वल टू 250 मीटर। तो देखिए पेरीमीटर जो स्टूडेंट यहां पर दिया हुआ है, इसका मतलब है वो आपको दिया हुआ है 2L प्लस बी इक्वल टू 250 मीटर, ये आपको यहां पर दिया हुआ है। और ये कह रहे हैं कि जो एरिया ऑफ फोर वॉल्स है और हमारे पास है यहाँ पर, और हमें हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 2L प्लस बी इंटू एच, और वो कितना आया है 1500 हमने पुट कर दिया स्टूडेंट। एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला लगाया और उसकी वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिली है वो 1500 हमने यहाँ पुट कर दी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2L प्लस बी की वैल्यू है 250 इंटू एच इक्वल टू 1500, देन एच इक्वल टू 1500, और ये 250 अपॉन में यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए जीरो से जीरो को हमने कैंसिल कर दिया, 25 वन जा 25 सिक्स जा 150, सो We find the height of the hall is 6 meter. Clear student? तो हमने इस तरीके से देखिए इस rectangular hall की जो height है उसको find कर लिया है। Clear student? तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए इस exercise में आज हमने जो question किए हैं discuss, वो ज़रूर आपको clear हो गए होंगे। आगे जो question है उनको भी हम discuss करेंगे next video में। Thank you very much.